हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही अच्छा सा मजेदार टॉपिक, और उस टॉपिक में हम बताएंगे आपको कि पिछली क्लास में हमने कॉल किया था गेट टाइप के एपीआई, जो रेस्ट एपीआई होती है वो दो तरह की होती है, गेट एंड पोस्ट। तो गेट वाली थोड़ी सी ईजी होती है, तो पोस्ट वाली एपीआई को हम आज कॉल करेंगे, ठीक है। और वैसे ऐसे हार्ड कुछ भी नहीं है, और बहुत ही आसान तरीके से हम बताएंगे तो वो सरल हो जाएगी आप लोगों के लिए। वैसे तो थोड़ी सी हार्ड होती है, बट आसान तरीके से बताएंगे तो सरल हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं, और बहुत ही ध्यान से चीज़ें समझना, एटलीस्ट कम से कम फोकस होकर समझोगे तो कम से कम 100 में से 30% तो आएगा ही। और उसके बाद फिर दूसरी क्लास में फिर से दोबारा रिपीट कर देंगे कुछ ना कुछ इस तरह से। तो इसी तरह से फिर चलते हैं आगे। देखो क्या है कि पोस्ट एपीआई जो हमने बताया था, जो एक थर्ड पार्टी का ये है रिक्वेस्ट रेज, ये वेबसाइट है। यहाँ से क्या है कि इसमें कई सारी गेट एंड पोस्ट सारी डमी एपीआई मिल जाती है। यहाँ पे पहले भी हमने देखो उसको बताया था, देखो उसमें लिखा हुआ है गेट टाइप की है। यहाँ पे देखो लिस्ट यूजर आ रहा है, यहाँ पे सिंगल यूजर आ रहा है, किसी एक यूजर की डिटेल अगर हमें देखनी है तो। और यहाँ पे सिंगल यूजर नॉट फाउंड, लिस्ट सोर्स ऐसे करके। तो देखो पोस्ट टाइप की ये है, यहाँ पे क्रिएट लिखा हुआ है पोस्ट, तो इस पर हम क्लिक करेंगे, इसकी डिटेल देखेंगे। यहाँ पे ये एपीआई का यूआरएल है, और यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वेस्ट और ये रिस्पॉन्स, यानी कि ये हम रिक्वेस्ट करेंगे, यानी कि नेम एंड जॉब। तो ये दो दो फील्ड हम भेजेंगे किसी भी यूजर को कनेक्ट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए। और यहाँ पे जैसे क्रिएट होगा तो इस तरह का रिस्पॉन्स दिख गया, इस तरह का रिस्पॉन्स आ गया एपीआई में 201 का। तो बाकी चलते हैं, देखो ये वाली जो पोस्ट एपीआई है इसको हम कॉल करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, देखो दो दो फॉर्म फील्ड चाहिए। तो सबसे पहले हम फॉर्म डिजाइन करेंगे, एक ब्लैंक स्क्रीन पे एक फॉर्म डिजाइन करेंगे सिंपल सा, उसमें दो इनपुट होंगे। देखो ये सब, हाँ देखो कुछ भी नहीं है, देखो ये बिल्कुल वही वाली फाइल्स हैं, और कुछ भी इसमें नया नहीं है, इसमें घबराना बिल्कुल नहीं है। देखो क्या है कि देखो ऐप वाली फाइल होगी, इसमें ऐप की फाइल है, और आपकी ये जो है ना कॉल्ड पोस्ट एपीआई, ये हमने नई एक फाइल बनाई है। बाकी तीन फाइल्स होती हैं वो डिफॉल्ट वाली फाइल्स हैं, ये सारे प्रोजेक्ट में मिलेंगे आपको। और जो एक नया पेज जो कॉल किया है वो हम यहाँ पर कॉल करेंगे प्ले स्क्रीन पर गेट, क्योंकि इसको हमने अभी इसका इसको चेंज भी करना है नेम इसका प्रॉपर। यहाँ पे कॉल पोस्ट एपीआई पेज करके यहाँ पे गेट लिखा हुआ था पिछली क्लास में, तो उसी को हमने पोस्ट कर दिया, कॉल पोस्ट एपीआई पेज। ये स्टेट ठीक है, तो हमारा ये पेज जो है तैयार हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ था गेट, मैंने उसको कर दिया कॉल पोस्ट एपीआई पेज। ठीक है, तो अब देखो ये हमने कर दिया यहाँ पे हमारा, देखो हाँ हाँ इसको कर दिया, ठीक है। सुना नहीं पड़ा क्या बोला, हैं अब दिखाई क्या करें, आवाज कट रही थी पारस। हाँ वो हटा लिया, वो हटा दिया, हटा दो जो फाइल्स नहीं। हाँ आप देखो ये बॉडी है ना, इसमें बॉडी में हम कुछ नहीं करेंगे, ब्लैंक बॉडी लेंगे पहले, ब्लैंक बॉडी लेंगे, जिससे क्या है कि सेंटर में लिया है, और यहाँ पे हम लेंगे ये। अभी तो देखो टेक्स्ट फील्ड लाके पहले चेक करते हैं हमारा सही आ रहा है। पोस्ट फॉर्म हेयर, अब हम अपने ऐप को रिस्टार्ट करेंगे। भाई ऐप तो स्टार्ट हो रहा था ना, काम गया इसका, स्टार्ट नहीं किया। एक ऑलरेडी चल रहा है हमारा, ये रन हो रहा है इधर। अब इसको हम एक बार रिस्टार्ट करेंगे,
स्पेस स्क्रीन देखो ये आ गई हमारी, ठीक है। ये ऊपर इसकी हेडिंग भी चेंज कर देना है, कॉलिंग पोस्ट एपीआई, पोस्ट एपीआई कॉलिंग पोस्ट एपीआई बाया फोन। इस तरह से कॉलिंग पोस्ट पे बाय फोन, बहुत ज्यादा बड़ी हेडिंग हो रही है इसलिए। अब देखो पोस्ट पे कैसे कॉल होती है, जैसे सपोज करो हमें यूजर का रजिस्ट्रेशन करना है, राइट। यूजर का रजिस्ट्रेशन करना है तो उसमें उसका यूजर का नेम होता है, उसकी ईमेल होती है, उसका मोबाइल नंबर होता है, उसकी पासवर्ड होता है, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे करके तीन चार इनपुट फील्ड होते हैं, यानी कि वो एक फॉर्म होता है। तो पोस्ट पे कैसे कॉल होती है कि हम पहले हम अपना जैसे जो हम पोस्ट पे कॉल करेंगे, सपोज करो अभी हमें बनानी है, यहाँ पे देखो दो फील्ड हैं, यहाँ पे एक नेम है और एक जॉब है, क्योंकि ये डमी एपीआई तो इसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। तो हमें दो इनपुट फील्ड बनाने पड़ेंगे, एक फॉर्म बनाना पड़ेगा यहाँ पे, और उस फॉर्म में हमें दो इनपुट फील्ड देने पड़ेंगे, राइट। देखो यहाँ पे बनाएंगे सबसे पहले ना कॉलम ले लेते हैं, कॉलम कॉलम में हमारा आराम से आ जाएगा, सेंटर के अंदर यहाँ पे ले लेंगे कॉलम सीओ कॉलम, कॉलम के अंदर चिल्ड्रन और चिल्ड्रन में टैक्स टैक्स फॉर्म फील्ड, टैक्स फॉर्म फील्ड ये एक फील्ड हो जाएगा, फिर दो फील्ड और फिर बटन, दो फॉर्म फील्ड और फिर ईएलई एलिवेटेड बटन, जिससे हम वैल्यू को सबमिट करेंगे फॉर्म की। EXT टैक्स SUVMIT इस तरह से, एक ही दिख रहा है, एक कहाँ गया, अच्छा ये दो आ रहे हैं, मैन एक्सेस अलाइनमेंट सेंटर कर दे रहे हैं, इसे वो बीचों बीचों बीच में आएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डिजाइन करना पड़ेगा, इसमें कुछ बॉर्डर वॉर्डर इसका डिजाइनिंग होता है, डिजाइनिंग इसमें होता है एक हिंट हिंट टैक्स डेकोरेशन में होता है शायद, एक सेकेंड इनवॉइस, थोड़ा सा डिजाइन के हुआ फॉर्म लेना है, टाइम बच जाएगा। लॉगिन टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड देखो ध्यान से समझना कैसे हम फॉर्म बना रहे हैं, ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझना। यहाँ पे लेवल टेक्स्ट में क्या था हमारे पास, नेम 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 एंटर योर नेम, फिक्स ठीक है, ये देखो आ गया यहाँ पे, ये प्रीफिक्स सफिक्स आइकन्स की हमें जरूरत नहीं है तो हमें आइकन्स हटा देंगे, ठीक है, ये आ गया हमारा, ठीक है, नेम आ गया। अब हम क्या करेंगे इसमें, देखो इस तरह से डिजाइन करते हैं फॉर्म को, सबसे पहले देखो ब्लैंक आया था, अब इतने में थोड़ा सा हमने डिजाइन किया, अब बिल्कुल सेम टू सेम हमें एक और चाहिए, किसी को कोई कन्फ्यूजन हो रहा तो बता देना। जॉब एक था नेम एक था जॉब, एंटर योर जॉब टाइटल TITLE, ठीक है, अब दो आ गए नेम एंड जॉब, ओके।
अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा देखो फॉर्म कैसे डिजाइन करते हैं, तो ये बिल्कुल समझ लो, एक इनपुट हो गया, अब इसके बीच में हम क्या दे दें, थोड़ी सी पैडिंग दे देंगे, पैडिंग ले लेते हैं, पी ए डी डी पैडिंग, पैडिंग के अंदर इसको लेंगे एज, एज इंसर्ट जीरो 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 जीरो, ये देखो पैडिंग का फॉर्मेट है इस तरह से, पैडिंग के अंदर एक चाइल्ड होता है, तो चाइल्ड के अंदर हम वो फॉर्म फिल जो था वो हम दे देंगे इसके अंदर, फिर चारों तरफ पैडिंग हम चाइल्ड 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 कॉमा, तो हमें पैडिंग चाहिए लेफ्ट एंड राइट, थोड़ा सा बीच में आए, तो लेफ्ट है गया एल, यानी कि एल है पहले वाला, यानी कि 20 इधर से दे दें, 10 दे दें पहले 10, एंड राइट राइट है ये वाला थर्ड वाला 10, और लेड कहाँ दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि कॉमा नहीं लगा हुआ है, और हमारा जॉब वाले में लगा हुआ है, देखो थोड़ा थोड़ा सा हुआ है इसको ना, इसको कह रहे हैं ऐसे करके, एक साथ ही फॉर्म है बार बार इधर उधर करके, तो तुरंत चेंजेस दिखेंगे, इसको इस तरह से कर लेते हैं, तो जल्दी जल्दी अब ठीक है, तो उसमें एक काम करते हैं, थोड़ा ज्यादा ज्यादा देते हैं, 10 10 में मजा नहीं आ रहा, 20 20, अब ठीक है 40 40, तो इसी तरह से देखो सेम टू सेम हमारा एक बन गया है, दूसरा भी इसी तरह से कर लेंगे, बाद में बदल देंगे इसको, जॉब था अब ये वाला अगर नेम, इंटरव्यू नेम, ठीक है, अब क्या है कि देखो हमको थोड़ा सा टॉप में चाहिए इसके बीच में, ये दोनों फील्ड के बीच में थोड़ा स्पेस आए तो अच्छा लगेगा, यानी कि टी टॉप में ले लो 20, ये अब बॉटम में दे दो, थोड़ी समय बटन नीचे हो जाएगी, बॉटम बॉटम में दे दो 20, ठीक है, इस तरह से फॉर्म डिजाइन करते हैं थोड़े थोड़े करके, समझ में आ रहा, किसी को कोई डाउट हो रहा, नेम एंड जॉब, ठीक है, ये हमारी बटन आ गई, सबमिट बटन आ गई, बटन हमारी बिल्कुल सादा है सिंपल, बटन में कुछ डिजाइन नहीं लगाएंगे, अब क्या है इतना हमारा हो गया, दो इनपुट फील्ड आ गए, अब दो इनपुट फील्ड क्या करेंगे, जैसे हम सबमिट करेंगे और सबमिट करते ही हमारी पोस्ट एपीआई जो होगी वो कॉल होगी, यानी कि जो डेटा होगा वो हमारा एपीआई में जाएगा, ठीक है, तो कैसे जाएगा, अब देखो हमारी अभी बस इतनी इतनी डिजाइनिंग हुई है, बस सिर्फ और सिर्फ हमारी डिजाइनिंग बनी है, यानी कि फॉर्म की डिजाइनिंग बनी है, नेम एंड जॉब और सबमिट, अभी हमने इसको फंक्शनल नहीं किया हुआ है, ठीक है, अब बहुत ही ध्यान से समझना, इसको फंक्शनल करेंगे, नेम एंड जॉब यानी कि जो भी इनपुट फील्ड होते हैं उनको फंक्शनल बनाने के लिए क्या करते हैं हम, कंट्रोलर बनते हैं इनके, कंट्रोलर का मतलब यह है कि जैसे कि जो भी हम नेम में वैल्यू टाइप करेंगे ऐसे करके, और जॉब में वैल्यू टाइप करेंगे, इसका टाइप जो है ना, एक मिनट, ये यहाँ पे ना पासवर्ड वाला लगा हुआ है, इसको हटा देते हैं, अब दिखेगा टेक्स्ट, ठीक है, क्या है कि जो इनकी वैल्यू होल्ड करेगा, जैसे ये फॉर्म है ना, ठीक है, इनकी इनके अंदर ना कंट्रोलर होते हैं, कंट्रोलर CONTRO कंट्रोलर, ठीक है, कंट्रोलर क्या करते हैं, कंट्रोलर इनकी ना वैल्यू होल्ड करते हैं, जो करंट पेज है ना यहाँ पे टेम्परेरी वैल्यू होल्ड करते हैं, उसको बोलते हैं टैक्स एडिटिंग कंट्रोलर, ठीक है, टैक्स एडिटिंग कंट्रोलर, तो देखो हम इनको ना डिक्लेयर करेंगे सबसे पहले ऊपर टॉप पे, यहाँ पे डिक्लेयर कर दे रहे हैं, जो हमारी स्टेट क्लास है इसके अंदर, टैक्स एडिटिंग कंट्रोलर इक्वल टू, सबसे पहले हम बनाएंगे नेम कंट्रोलर, NAME, जहां पे यूजर का नेम जाएगा, CONTROL, नेम कंट्रोलर इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, टेक्स एडिटिंग कंट्रोलर, ठीक है, इस तरह से अब ये एक कंट्रोलर बना हमारा, अब हमको हमारे जितने भी इनपुट फील्ड होते हैं उतने हमको कंट्रोलर बनाने पड़ते हैं, हमारे पास दो इनपुट फील्ड हैं, तो यहाँ पे एक है टेक्स नेम है, एक है जॉब कंट्रोलर, तो हमने ऐसे दो कंट्रोलर बनाने, ठीक है, 1 और 2, दो कंट्रोलर बन गए हमारे, अब हम क्या करेंगे, नेम कंट्रोलर को
जो हम सबसे पहला पहले वाला इनपुट फील्ड है यहाँ पे कंट्रोलर लिखेंगे लिख, ठीक है, और यहाँ पे उसको हम रख देंगे कैश करके नेम कंट्रोलर, ठीक है, समझ में आ रहा। टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है, कंट्रोलर लिखा और हमने यहाँ पे उसको रख दिया आके, ठीक है। अब सेम इसी तरह से यहाँ वाले में कंट्रोलर लिखा हमने, इधर कंट्रोलर आया पैरामीटर, यहाँ पे कर देंगे हम जॉब कंट्रोलर जो हमने ऊपर लिखा था, ठीक है, जॉब कंट्रोलर। अब हमारे दोनों कंट्रोलर आ गए, ठीक है। अब चलेंगे सबमिट बटन पे, ठीक है, दो कंट्रोलर आ गए। अब देखो सबमिट बटन पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबमिट बटन पे एक फंक्शन बनाएंगे, जो फंक्शन क्या करेगा यहाँ की वैल्यू, एक फंक्शन देखो जहाँ पे हमको ना एपीआई कॉल करनी होती है, ठीक है। अब जैसे हमने सपोज करो हमें ये वाली जो ये वाली है ना, ये वाला ले लेते हैं, ये वाला फंक्शन ले लेते हैं, ये वाले फंक्शन का सारा कोड पहले हटा देंगे, फिर बाद में इसको हम ये सारा कोड हमने हटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे कॉल कॉल पोस्ट एपीआई, कॉल पोस्ट एपीआई, ओके। तो हमने ये वाला फंक्शन लिखा है यहाँ पे, और कॉल पोस्ट एपीआई, ठीक है। अब इस वाले फंक्शन को लिखा, अब हम क्या करेंगे, देखो जो ये फंक्शन है इस वाले फंक्शन को ना ऑन प्रेस फंक्शन छा देते, जो बटन है ना बटन के अंदर ऑन प्रेस होता है एक, यहाँ पे हम उसको कॉल करेंगे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके। अब यहाँ पे कॉल करेंगे ये वाला फंक्शन, जैसे ही सबमिट बटन प्रेस करेंगे तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ये वाला फंक्शन कॉल होगा मतलब यहाँ पे आएगा, ठीक है। जब यहाँ पे आएगा तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले प्रिंट कराएंगे जो हमारे फॉर्म वाले आ रहे हैं, यहाँ पे एक प्रिंट कराएंगे, सबसे पहले प्रिंट करा लेते हैं, इसके बाद में फिर आगे काम कराएंगे। सबसे पहले प्रिंट कराएंगे सबसे पहले लेते हैं नेम, NAME, नेम के अंदर यहाँ पे प्रिंट कराएंगे डॉलर नेम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। अब देखो जब हमने यूज किया था तो सिर्फ कंट्रोलर लिखा था, अब जब हम इसको प्रिंट कर, जब हमने वहां पे यूज किया था इनपुट फील्ड में, अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे इसकी वैल्यू तो डॉट टेक्स्ट करके वैल्यू प्रिंट करेंगे डॉट टेक्स्ट। तो यहाँ पे जैसे हम सबमिट बटन प्रेस करेंगे तो देखो हमारा नेम के अंदर यहाँ पे कंसोल में, देखो अभी हम कंसोल दिखा रहे हैं, कंसोल में तुमको नेम दिखेगा, ठीक है। अब हम कंसोल को ओपन कर रहे हैं, व्यू रन टर्मिनल कंसोल। अब देखो इसको सारा क्लियर कर दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं जॉन डियो, जॉन डियो, यहाँ फॉर्म में टाइप कर रहे हैं जे जे एच ओ एन जॉन डियो, ओके। यहाँ पे क्लियर कर दे रहे हैं, जैसे हम सबमिट बटन पे प्रेस करेंगे तो देखो हमारा यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। देखो नेम आया जॉन डियो, यहाँ पे दिखा सबको, इस तरह से हम वैल्यू चेक करते हैं, हमारा देखो नेम है, इसी तरह से हम जॉब वाला चेक कर लेंगे, जॉब की वैल्यू आ रही है यहाँ पे, इसको प्रिंट कर लिया एक बार, अब उसको भी प्रिंट कर ले रहे हैं यहीं पे जॉब, ये हिंट के लिए लिख लेते हैं इधर लेफ्ट साइड में जॉब, और यहाँ पे हम कर लेंगे जॉब कंट्रोलर, जॉब कंट्रोलर, जॉब हो गई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। अब देखो जैसे हम प्रेस करेंगे तो हमारे दोनों वैल्यू दिखेंगी, अब कंसोल में देखना ध्यान से, प्रेस किया और देखो दोनों वैल्यू आ गई हमारी, ये देखो ये कंसोल चलता रहता है हमेशा, तो ये ऊपर तक जाता रहता है, ठीक है। ये देखो नेम और जॉब दोनों आ गई वैल्यू हमारी, यानी कि हमारी जो वैल्यू है फॉर्म की वो सबमिट बटन से हमारी कहाँ चलेंगी, यहाँ फंक्शन में आ गई इसके अंदर, ठीक है, फंक्शन के अंदर आ गई। अब देखो हमने बस प्रिंट करके देख लिया यहाँ पे, भाई यहाँ तक वैल्यू आ रही है हमारी सही, यानी कि बिल्कुल सही काम चल रहा है हमारा। अब क्या करेंगे, एक हम बनाएंगे एरे, ठीक है, पोस्ट डेटा नाम से एक एरे बनाएंगे इस तरह से, ठीक है, पोस्ट डेटा, और यहाँ पे देखो एपीआई में पैरामीटर भेजेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ उसने नेम, तो ये वाला जो है ना यहाँ पे जो पैरामीटर लिखा हुआ है इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसको ऐसे की बनाएंगे इसके इस एरे की, ठीक है, और
की बनाएंगे और बेलू में हम देंगे जो फॉर्म डेटा, जो फॉर्म से हमारा जो बेलू आ रही थी। अब देखो जॉब इसी तरह से नेम का जैसे रखा उसी तरह से जॉब आएगा हमारा यहाँ पे, जॉब और जॉब की वैल्यू, ठीक है। इस तरह से जो इसकी वैल्यू आई थी वो हमारी इसमें आ रही थी नेम की वैल्यू, नेम कंट्रोल डॉट टेक्स, ओके। इसी तरह से जॉब की होगी जॉब कंट्रोल डॉट टेक्स, क्लास चलती है तो कोई चूचा बिल्कुल नहीं हो रही है ना। अब देखो हमारी ये पूरी एरे में यहाँ पे, अब हम ये पूरी जो नई एरे बनाई है इस पूरी एरे को प्रिंट कर लेंगे यहाँ पोस्ट डेटा, ठीक है। अब देखो हम पूरा प्रिंट करेंगे समय बटन के बाद, इसे प्रेस करा ये आ गया। देखो हमारा नेम के अंदर नेम आया जॉन डियो और जॉब के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर आया, ठीक है। ये तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम काम करते चलते हैं अपना, चलते हैं आगे। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा डेटा यहाँ तक आ गया, जो हमने फॉर्म यहाँ पे फॉर्म पे फिल किया डेटा वो हमारा डेटा यहाँ तक आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस डेटा को हम एपीआई के अंदर सेंड करेंगे, ये वाला मेन काम है। अभी तो खाली बस यहाँ पे डेटा लेके आए हम, अब क्या करेंगे एपीआई के अंदर भेजेंगे। एपीआई के अंदर भेजने के लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले एपीआई का क्लाइंट चाहिए। एपीआई का क्लाइंट हमें चाहिए फाइनल एपीआई क्लाइंट CLIENT पे क्लाइंट इक्वल टू DIO और अब यहाँ पे कॉल करेंगे फाइनल रेस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट एपीआई क्लाइंट डॉट पोस्ट, और पोस्ट के अंदर हमारा होगा पाथ देन डे बॉडी डेटा ऐसा कुछ जाएगा, एक मिनट देख लेते हैं थोड़ा पोस्ट का DO पोस्ट रिक्वेस्ट लेटर, तो ये बनाया और इसको भेज दिया यो पोस्ट ऑप्शंस डेटा, डेटा के अंदर भेज दिया इसको। ऑप्शंस कमा डेटा, तो यहाँ पे एपीआई का यूआरएल लगा, यहाँ पे डेटा, डेटा के अंदर जो हमने ये बनाया था एरे जिसमें डेटा आ रहा है, ठीक है, नेम और जॉब, उसको भेज देंगे इसको जेसन डिकोड करके, पहले इसे सिंपल करके भेजेंगे, अगर लेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर जेसन। अब ठीक है एपीआई का यूआरएल क्या है, देखो एपीआई ये है यूआरएल इसका, एपीआई यूआरएल पोस्ट, एपीआई स्लैश यूजर्स, ये इसका यूआरएल है। पोस्ट टैब में अगर भेजेंगे तो ये काम करेगी क्रिएट के लिए, दूसरे का कोई काम नहीं। अब देखो हमने यहाँ पे एपीआई का यूआरएल दे दिया, समझ में आ रहा सबके। इस तरह से हम पोस्ट रिक्वेस्ट को कॉल करते हैं, डेटा के अंदर हमने डेटा भेज देंगे जो हमने यहाँ पे एरे बनाई थी, परम्स बोलते हैं वैसे तो इनको। देखो ये वाला जो है ना, ये वाले जो हमने लिखा नेम एंड जॉब, ये पैरामीटर इंपॉर्टेंट है, जो एपीआई के पैरामीटर होते हैं वही हमको सेंड करने पड़ते हैं जो बताता है बैकएंड डेवलपर, ठीक है। इसने देखो बताया कि यहाँ पे नेम देना है और इस तरह से भेजना है, तो हम वैसे भेज रहे हैं। हमने देखो यहाँ पे नेम दे दिया और जॉब दे दिया और यहाँ पे इसकी वैल्यू जा रही है और हमने एपीआई में दे दिया। अब हम इसका रिस्पॉन्स चेक करेंगे, ठीक है, पहले ट्राई एंड कैच लगा लें, ट्राई कैच, ट्राई CAT कैच CRR
और ट्राई के अंदर हम दे देंगे ये वाली रिक्वेस्ट, और फिर यहाँ पे इफ लगाएंगे, और इफ के अंदर हम एपीआई रिस्पांस को फिल्टर करेंगे पेयर रिस्पांस डॉट स्टेटस कोड से इज इक्वल इक्वल 201। अगर 201 आया यहाँ पे, इसने देखो लिख रखा है कि हम 201 में देंगे सक्सेस रिस्पांस, तो वो प्रिंट कर देगा डेटा को, डेटा मतलब रिस्पांस डॉट डेटा, रिस्पांस डॉट डेटा। अगर सक्सेस 201 है 200 है, इसमें देखो वैसे तो 200 अलग अलग होता है, देखो 200 या 201 ही लगभग सिमिलर ही होते हैं। यहाँ पे देखो उसने लिख रखा है इसलिए रिस्पांस में 201 दे रखा है इसने, ये देखो यार। अच्छा ठीक है सर, लिख रखे रहते हैं मतलब जो भी एपीआई का वो डॉक्यूमेंट होता है उसमें लिख देते हैं कि हम 200 पे देंगे 201 पे देंगे। ओके सर, एल्स में अलग से जाएगा, एल्स में भी कर लेते हैं हम प्रिंट, क्या आएगा फिर भी इसको हम प्रिंट कर लेते हैं, थोड़ा यहाँ पे आइडेंटिफायर लिख लेते हैं। जिसे क्या होगा कि भाई इनसाइड इफ इनसाइड, ये इनसाइड में डेटा प्रिंट होगा और इसमें कुछ नहीं आएगा। चलो अब देखते हैं पोस्ट करके डेटा को, और ये अभी हमने यहाँ पे कंसोल में प्रिंट कराया है, तो जैसे ही डेटा जाएगा तो कंसोल में प्रिंट करेगा, तो हम कंसोल में चेक करते हैं टर्मिनल, टर्मिनल पे जाके डीबग कंसोल, डीबग कंसोल में जैसे ही हमारा रिस्पांस आएगा तो यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं, सभी लोग अच्छे से ध्यान से देखना, ठीक है, जैसे चलेगा ना तो यहाँ पे दिखेगा। अब देखो जॉन डियो, जॉन जे कैपिटल ले लेते हैं, ENGG। अब देखो सबमिट करते हैं, ठीक है, सबमिट किया, देखो इनसाइड में आया डेटा, ये देखो इनसाइड में आया, एक मिनट, ये देखो खूब ध्यान से देखना, इनसाइड में लिखा है नेम जॉब, और देखो क्रिएटेड एट लिखा हुआ है और आईडी लिखी हुई है 550 आईडी और क्रिएटेड एट, ठीक है, सबको दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई। इनसाइड में आया देखो जॉब नेम एंड जॉब और क्रिएटेड है और 550, देखो उसने रिस्पांस में दिया है कि जैसे ही क्रिएट होगा तो ऐसे करके आएगा, देखो चार चीजें आएंगी रिस्पांस में, ठीक है, नेम जॉब और आईडी और क्रिएटेड एट, कब क्रिएट हुआ देखो यहाँ पे डेट आएगी, डेट टाइम ये होता है, ठीक है, ये यूनिवर्सल फॉर्मेट ऑन डेट टाइम होता है। तो आया देखो इस तरह से पोस्ट एपीआई कॉल होती है, बहुत ही इजी था, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है इसमें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही वो सबमिट करेगा तो हम एक स्नैक बार, SNACK स्नैक बार से हम मैसेज देंगे कि हाँ यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली समथिंग लाइक दैट डिस्प्ले स्नैक बार, नॉट शो स्नैक बार, यहाँ पे स्नैक बार जैसे ही सक्सेस होगा तो स्नैक बार से हम मैसेज देंगे, कॉन्टैक्ट स्नैक बार, भाई स्नैक बार कहाँ पे है, फाइनल
इसको एक वेरिएबल ले लिया फाइनल वेरिएबल में स्नैक बार इक्वल टू स्नैक बार ओके। अब देखो यहाँ पे मैसेज देंगे यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली समथिंग लाइक दैट यूजर सी आर ए यूजर क्रिएटेड एस यू डबल सी एस एस एफ यू एल वाई ठीक है। अब हम क्या करेंगे देखो ऐसे करके मैसेज दे देंगे ऐसे करके मैसेज आते हैं ना तो हमें कंसोल में बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो फिर से करते हैं ठीक है देखो नीचे आया यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली आया नीचे इसको थोड़ा ग्रीन कलर में कर देते हैं इसका बैकग्राउंड स्नैक बार एक्शंस कंटेंट बी ए सी के बैकग्राउंड कलर स्नेक बार क्रिएटेड सक्सेसफुली देखो नीचे आया अंडू अंडू की जरूरत नहीं है इसको हटा देते हैं एक्शंस नहीं चाहिए हमें स्नैक बार में है एक्शन ये तो समझ में आया स्नैक बार मैंने कैसे लगाया ये देखो यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली ठीक है। अब जितनी बार यूजर क्रिएट हो रहा है वो मैसेज दे रहा है और बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही यूजर क्रिएट होता है तो वो दूसरे पेज पे चला जाता है बट अभी हम क्या है कि इसी पेज पे हैं तो एक काम करते हैं एक दूसरा पेज एक ब्लैंक पेज दूसरा बना ही लेते हैं सही से थोड़ा फ्लो सही से कर दें तो जिससे क्या होगा सही रहेगा थोड़ा फ्लो में लफड़ा नहीं रहेगा। अरे यार 15 मिनट ही रह गए हैं बस हो जाएगा है 15 मिनट में तो एक नया पेज क्रिएट करते हैं न्यू फाइल MEDIUser फाइल क्या करेंगे इसको यूजर फॉर्म बना लेते हैं इसको यूजर USER यूजर फॉर्म यूजर फॉर्म नहीं फॉर्म तो उस वाले पे चलो ये लिख लेते हैं यूजर फॉर्म चलो जो अब बाकी रह गया वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे अभी तक ये बताओ कि हमने देखो पोस्ट API कॉल करी और API कॉल हो गई हमारा स्नैक बार आ गया यानी कि सक्सेसफुली हमारी API हिट हो गई। अब इतने में किसी को अगर कोई डाउट आ रहा है तो बताए स्नैक बार सिर्फ मैसेज दिखाने के लिए होता है चेक करना है कि हाँ हमारा सही हुआ कि नहीं हुआ बस सही होता है काय के लिए API जब चलती है API चलती है उसमें ये देखना पड़ेगा भाई हमारी API सही हुई है नहीं हुई मतलब जब भी हम कोई काम करते हैं तो वो काम में दो दो मतलब होगा या फिर नहीं होगा राइट दो ही तरीके होते हैं या काम होगा या नहीं होगा तो जाहिर सी बात है तो हम चेक करना पड़ेगा ना काम जो हमने जिसके लिए हमने API हिट करी है वो काम हुआ या नहीं हुआ वो चीज तो ये चेक करना जरूरी होता है ये इसका तरीका होता है इस तरह से चेक करने के लिए किसी कोई डाउट आ रहा है API कॉल करने में कैसे कैसे हम आए थे कौन कौन से स्टेप से आए थे अब ट्राई करेंगे तब देखेंगे ट्राई करो बहुत थोड़ी सी पूछ लो
हाँ यार आप लोग बहुत पीछे हो अभी, अभी थोड़ा टाइम देते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी हम इसको कर देते हैं फिनिश, ठीक है। कोई और किसी को डाउट हो बताओ, एपीआई कॉल करने में फॉर्म बनाया मैंने, देखो मैंने एपीआई कॉल कराया, इसने एक बार प्रिंट कराया, किसी को डाउट हो तो बताए। देखो यहाँ पे जब इसके अंदर जा रहा है तभी यहाँ पे इसने एक बार कॉल हो रहा है, देखो यहाँ पे मैसेज दे रहा है कि जैसे ही मैसेज सक्सेसफुल होता है, जैसे क्या होता है कि आप लोग काम देखा हो अपने मोबाइल ऐप में, जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसमें अलर्ट मैसेज पॉपअप मैसेज आता है कि हाँ भाई यूजर क्रिएट हो गया, पासवर्ड चेंज हो गया या फिर कुछ गलत आया, तो सब कुछ मैसेज आना चाहिए तभी यूजर मानता है कि भाई काम हुआ सही। मैसेज नहीं आता है आपने कुछ किया, चाहे भले बैकएंड में काम हो रहा हो लेकिन मैसेज नहीं आया तो मानता नहीं यूजर भाई काम हुआ है, तो इसलिए मैसेज दिखाने जरूरी होते हैं प्रॉपर, ठीक है ना। इस तरह से मैसेज आ रहा है देखो, यूजर क्रिएट सेक्शन पे अलर्ट बॉक्स भी आता है, अलर्ट बॉक्स चाहिए तो अलर्ट बॉक्स भी लग जाएगा, पॉपअप अलर्ट, अलर्ट डायलॉग, ALERT अलर्ट, DIALOG अलर्ट डायलॉग, अलर्ट डायलॉग बॉक्स में फिल्टर। दो तरह से हम मैसेज को शो करा सकते हैं, अलर्ट डायलॉग बॉक्स या फिर हम स्नैक बार से। तो किसी को कोई डाउट नहीं है, मतलब सबको समझ में आ गया राइट। कोड का फॉर्मेट थोड़ा चेंज किया है लोगों ने, इधर आएगा शो डायलॉग, देखो यार शो डायलॉग वाइस करके आता है शो डायलॉग, इसका कोड यहाँ देखो लिखा हुआ है। अरे चलो डायलॉग वगैरह आप नेक्स्ट क्लास में ही बताएंगे, ये तो इसका डायलॉग का थोड़ा सा बड़ा कोड होता है, स्नेक वाला का थोड़ा छोटा कोड होता है। बाकी देखो पोस्ट एपीआई जो मैंने बताई है, क्रिएट एपीआई पोस्ट एपीआई, एटलीस्ट दोनों एपीआई का प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट क्लास पोस्ट एपीआई सर्वर पे डेटा स्टोर करती है ना, हाँ। और शेयर्ड प्रेफरेंसेस क्या करते हैं? शेयर्ड प्रेफरेंस सिर्फ टेम्परेरी वैल्यू सेव करता है ऐप में, अच्छा, वो फाइल मैनेजर में जाकर सेव होती है डेटा शेयर्ड प्रेफरेंस। नहीं 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 वो फाइल मैनेजर में नहीं होती, वो तो ऐसे फ्लैश में रहती है, फ्लैश मेमोरी में, अच्छा रैम जैसे बोलते हैं ना, फ्लैश मेमोरी में रहती है, हाँ वो टेम्परेरी वैल्यू सेव होती है, अच्छा। और ये पोस्ट एपीआई से डेटा सर्वर पे स्टोर होता है? पोस्ट एपीआई से डेटा होता है ना वो सर्वर पे जाता है, सर्वर पे डेटाबेस में स्टोर होता है, जैसे यूजर का रजिस्ट्रेशन किया आपने या फिर कोई भी काम किया आपने, कोई आर्टिकल पोस्ट किया या फिर कोई सी चीज होती है तो वो डेटा सर्वर पे जाता है, और उसमें एक मिनट रुको, देखो हम सर्वर देखो दिखा देते हैं फटाफट, देख लेना ठीक है आप लोग, देखो हमारे पास सर्वर है ठीक है, हम देखो लॉगिन कर रहे हैं, देखो सर्वर कैसे होते हैं, डेटाबेस कैसा होता है, सभी लोग देखना ध्यान से ठीक है। मैंने अपना सर्वर है माना, लॉगिन किया मैंने ठीक है, ये होस्टिंग पे गए, सर्वर होता है होस्टिंग ठीक है, सर्वर पे चीज़ें होस्ट होती हैं, देखो 11 वेबसाइट होस्ट हैं, तो हम दिखाते हैं वाला दिखाते हैं ठीक है। ये सर्वर है हमारा, इसमें देखो डेटाबेसेस बने हुए हैं, पीएचपी में एड्रेस में डेटाबेसेस होते हैं और देखो डेटाबेस में टेबल्स होती हैं, ये एक डेटाबेस है पीएचपी में एड्रेस में, देखो खोल के गया मैंने ओपन क्लिक किया तो देखो ये एक डेटाबेस ओपन हुआ, देखो अभी देखो ओपन होगा पीएचपी में एडमिन, तो ये MySQL डेटाबेस ठीक है ठीक है, ये देखो टेबल्स आ गई इसमें इतनी सारी, देखो ये एक डेटाबेस है, एक डेटाबेस के अंदर कितनी टेबल हैं, 27 टेबल्स हैं, देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है 27 टेबल्स, एक वेबसाइट में टेबल्स की ये देखो 27 टेबल्स लिखा हुआ है, ऐसे करके देखो इसमें इस तरह से टेबल्स बनी होती हैं, देखो कस्ट
कस्टमर बिलिंग इन्फो, शिपिंग इन्फो, जैसे ऐसे होता है ना कस्टमर, देखो कस्टमर कॉन्टैक्ट इन्फो, बिलिंग इन्फो, शिपिंग इन्फो, बैंकिंग इन्फो, कार्ड इन्फो, कॉन्टैक्ट इन्फो, इस तरह से ये बनाए होती है टेबल्स अलग अलग तरह से, ठीक है, कितनी सारी टेबल्स होती हैं। अब देखो उसमें कस्टमर इन्फो दिखाते हैं, कस्टमर इन्फो, कस्टमर कस्टमर फॉर्म क्या क्या होगा, कस्टमर की डिटेल्स होगी, ठीक है, कस्टमर की आईडी, बैंक अकाउंट डिटेल, बैंक नेम, बैंक बिजनेस एड्रेस, बिजनेस सिटी, बिजनेस स्टेट, ठीक है, जिप कोड, पेमेंट टाइप। 8 मिनट बचे हैं थोड़ा सा, हमें भी टाइम देना है, ठीक है। तो ये होता है डेटाबेस, इसमें स्टोर होती है आके, ठीक है, इस तरह से डेटाबेस होते हैं सर्वर पे, सभी के लिए था ये, बस एक बेसिक, ठीक है, कि ये डेटा कहाँ स्टोर होता है, इस तरह से स्टोर होता है सारी जो वेबसाइटें बनी हुई हैं वर्ल्ड के अंदर, बस डेटाबेस अलग अलग तरह के होते हैं, ये MySQL है, ठीक है, MySQL। तो चलो ऐसी बात फिर यही खत्म करते हैं, ठीक है, बाकी जो डाउट हो और नोट करना और पूछना फिर हमसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, मिलते हैं फिर, और किसी को कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसको निवारण देंगे। चलो ठीक है, बाय, फिर मिलेंगे, और कुछ